वेलकम टू GX999। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। यहाँ पर इस फिल्म की कहानी के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि वो स्पॉयलर्स होगा और मैं आपको स्पॉयलर्स देना नहीं चाहता। तो बस आप इतना समझ लो कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि रॉबरी करते हैं और उस वजह से वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। अब आगे क्या होगा, वो कैसे खुद को बचाएंगे या फिर इस जाल में फंस जाएंगे क्योंकि जाल किसी और का बुना हुआ है, क्या होगा आगे वो तो आप फिल्म में देखिएगा। तो देखिए, इस फिल्म के बारे में मैं मोटा मोटी यही बोलूँगा कि इस मूवी को देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म मुझे उतनी ज़्यादा दमदार और मज़ेदार तो नहीं लगी। हाँ, फिल्म एंटरटेनिंग है लेकिन मैं इसको एक बिलो एवरेज मूवी कहूँगा, जिसको अगर आप ना भी देखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप देख भी लोगे तो ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि ये इतनी ठीक ठाक सी फिल्म ज़रूर है। फिल्म इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगे क्योंकि वही सेम रूटीन स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलता है, और जो कहानी है वो इतनी दमदार नहीं है, और जो फिल्म में हमको देखने को मिलता है वो बांधे रखने में कामयाब तो नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें एक खुली किताब की तरह हैं और उसको देखकर आपको वो मज़ा नहीं आता है, खासकर मुझे तो नहीं आया, वो आपको उस लेवल का मज़ा नहीं दे पाएगा। फिल्म में जो एक्शंस है, जो क्राइम्स हमको देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से वो आइडियाज़ लगाते हैं, किस तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से वो फंस रहे हैं, किस तरीके से खुद को बचा रहे हैं, ये जो हमको देखने को मिलता है इसको इंटरेस्टिंग वे में हमें इस फिल्म में दिखाया नहीं गया है, और उसी वजह से ये फिल्म बहुत ही फीकी पड़ जाती है और मज़ेदार फिल्म होने के बावजूद भी मज़ेदार हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने फिल्म को उस तरीके से हमारे सामने रख नहीं पाए हैं जैसा होना चाहिए था, उस वजह से ये फिल्म अपनी छाप छोड़ नहीं पाती है, वरना ये फिल्म काफ़ी दमदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म हो सकती थी जो कि ये फिल्म हो नहीं पाती है। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस फिल्म को ना ही देखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी इसको आप चाहो तो एक ऑप्शन में रख सकते हो, वो भी तब जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। हालांकि फिल्म हिंदी में अवेलेबल है और फिल्म में खून खराबा भी है क्योंकि ज़बरदस्त एक्शंस भी हैं, तो अगर आपको वही इन्जॉय करना है तब तो ये फिल्म आपके लिए है, तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। जोहार।